ना. सो यू विल बी गिविंग वन राइटर असाइनमेंट एंड वन इम्प्रेस टास्क. आई ऑलरेडी इंटीमेटेड इन द ग्रुप दोज वाज प्रेजेंट ऑफलाइन. सो फॉर योर इंस्ट्रक्शन बिकॉज आई अपलोडेड द मैसेज टूडे ओनली रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल. तो आप लोगों ने तो भी देखा नहीं होगा. द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल नो बडी विल गिव मी द एक्सक्यूज. मैम हमारा सिस्टम नहीं रेडी है. द वे यू गिव एक्सक्यूजेज ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ फाइल्स. हमारी फाइल सबमिट नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास राइटर नहीं है. हमारे राइटर फीचर में ये अवेलेबल नहीं है. सो यू ऑलरेडी प्रायर इन्फॉर्म दैट यू आर हैविंग अ प्रैक्टिकल. सो बिफोर दैट एट 5 आई हैव टू सेंड द क्वेश्चंस राइट. सो बिफोर दैट कीप योर सिस्टम अप टू डेट ऑफ जो भी आपका राइटर का वर्जन है 4.1.9 राइट द लेटेस्ट वर्जन. एंड देन ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट PDF बनाने की ऑप्शन होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी देयर. कि बाद में आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि मैम ये नहीं है अपने प्रैक्टिकल कैसे हो. सो इट वॉज ऑलरेडी इंटीमेटेड टू यू लास्ट वीक. सो बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर यू आर हैविंग अ टाइम इन बिटवीन. सो मेक योर सिस्टम अप टू डेट. मेक श्योर राइटर इज इंस्टॉल्ड. ओपन ऑफिस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड. ऑल द फंक्शंस आर प्रॉपरली वर्किंग. सो ऑल दी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू चेक इन एडवांस बिकॉज एट दैट टाइम इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड. If any excuse you will make, it will not be entertained, right? And regarding the defaulters, I have already confirmed yesterday too that whosoever will be defaulter in the project file, those students will not be able to give. So, jinhone bheji hui hai, still their name is there. You can send it to again after these classes, right? You can send it again so that I can have a check ki kin kin ka maine accept karna hai. So, but still lot of defaulters are there. So I'm not going to check your practical paper today. And time boundation, I've already told you that is up to 6, right? So jo bhi aapka PDF maintaining ka time up to 6:30, right? Uske baad I'm not going to take it. No excuse, network problem tha, PDF nahi ban raha, koi excuse nahi hai. Because this is a paper, so treat it like the exam only, the way you used to give in the schools, okay? कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे उठा के भेज रहे हो. नो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल. थिंग्स आर क्लियर. द सिस्टम शुड बी अप टू डेट. यू हैव टू मेक द वर्क विद इन द अलॉटेड टाइम. प्रॉपर PDF फॉर्मेटिंग इज टू बी डन प्रॉपरली. ऑल दीज फीचर्स राइट. एंड रीनेमिंग के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इंटीमेटेड है. हाउ यू हैव टू रीनेम योर फाइल. इट शुड हैव योर नेम, रोल नंबर एंड क्लास एंड सेक्शन. ओके अगर आप फाइल में कोई ऐसी डायरेक्टली भेज रहे हो तो अगेन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. फाइल सिर्फ उसी बच्चे की चेक होगी जो प्रॉपर रीनेम करके वट एवर द फॉर्मेट वी हैव इंटीमेटेड टू यू दैट फॉर्मेट इज टू बी व्हेन यू आर गोइंग टू सेव इट यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. अदरवाइज अदर देन दैट फॉर्मेट नो PDF विल बी एक्सेप्टेड. प्रोजेक्ट में भी सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी ODP फाइल. हाउ आई विल गोइंग टू चेक दैट. So for checking, you have to send the PDFs. Got it? Any doubt regarding the practical to anyone? Things are clear? Sure? Okay, so let's start. And online students, to you bachche also I conveyed the message during the recess time that on your systems because we are going to do a practical right now. So I hope sabne apne apne systems on kar liye honge is time. Have you opened the writer? So today you have to create a table. The formatting in the table you have to apply. So start doing that work and on your cameras. I want to see. So on your cameras, be quick. ओके सो लेट्स मेक अ शॉपिंग बिल टुडे. क्या टॉपिक स्टार्ट किया अभी आपने? सिंपल टेबल. ओके जस्ट प्रेस एंटर एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज. ट्राई टू मेक सिस्टम जस्ट वेट विशाल जी इसमें. ओके वी हैव टू मेक अ शॉपिंग बिल. सो गिव मी द आइडिया फर्स्ट. अगर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन होता तो आप क्या डिपिक्ट करते? टेल मी how you are going to make the shopping bill. Items, okay, we need items for that. Amount, right? Quantity. Hanji,
total amount, the total bill, discounts you can give. तो जब भी आप किसी शॉपिंग फॉर्म में जाते हैं, यू गॉट अ शॉपिंग बिल फर्स्ट, इस तरह से आपको दिखाई देता है, दैट इज अ टेबुलर फॉर्म ओनली, राइट? टेबुलर फॉर्म में ही होता है. सो वी आर गोइंग टू मेक अ डमी बिल, लेट इट बी. ओके, आई एम गोइंग टू गिव. सो फर्स्टली द बैकग्राउंड, राइट? यू कैन सेट एनी बैकग्राउंड. So you can practice it side by side. ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसे सेम बनाना है. यू कैन यूज योर ओन, ओके? शो योर ओन क्रिएटिविटी. आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया. ओके, सो दिस आई हैव इंसर्टेड द बैकग्राउंड. तो आपको जो प्रैक्टिकल में भी आएगा, मेक श्योर यू आर इंसर्टिंग एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड और एनी काइंड ऑफ पिक्चर यू कैन अप्लाई. सो फॉर दैट यू मस्ट हैव सम एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, तभी आपको पिक्चर्स मिलेंगी नेट से, राइट? ओके, नाउ आई वॉन्ट टू गिव अ फर्म नेम. फॉर एग्जाम्पल, हम बिग बाजार का ही बिल बना रहे हैं. Right, you can take any firm name, give it a formatting. You can change the font colors, you can give highlightings. हाँ जी बच्चे, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम किधर दिया? शुभम, आपका भी? Now, the name of a person, जिसको भी हम बिल देते हैं, राइट? There will be some bill number. This way you can make anything. Date. Today is 28th, right? So you can give it a different formatting as per your own choice. Then you have to insert a table. So what are the methods for inserting table? Insert menu, table option. Second method, control plus F12. Third method from the table menu, that is table, insert table. Okay, so three methods for inserting table. Fourth method is table button on the standard toolbar. So once again, I'm repeating the methods for inserting table. Table menu, insert table. Insert menu table option, control plus F12 or table button on the standard toolbar. Side by side, create a table. Now when you will go for the command, it will open insert table dialog box. So insert table dialog box will appear. Here you have to specify the number of rows and number of columns. So let's say if you are taking item serial number, item code, item name, then quantity, rate, and total. So six columns I'm assuming right now. If you want to make your first row as the heading row, so you can enable this option, right?
If you want to repeat the heading on every page, so you can click on repeat heading. So jitne bhi aapka next page pe jab table jayega, to again the header row will be there. It will repeat itself. Okay, it's your choice whether you want to repeat it or not. Only in case if your table is going on to the next page, right? So this way I have created a table. So once a table will be created, table toolbar will appear. All the options related to the table, inserting, deleting, merging, splitting, whatever the things you want to do, the options will be available on table toolbar. Okay, so here I'm going to take serial number, item code, item name, quantity you are purchasing, rate per unit, and amount. What happened? Any doubt? So this way you can adjust the table column, the height and width. Right? So we all methods use kar lo. So for example, I'm taking item code 101. And the item name is pencils, and quantity you are taking 100, rate per you are taking 5. So what will be the amount? What will be the amount? 500. Next, I-104, so you are taking 3 kg, assuming it is the 50, I, you can take any codes, okay? Different type of items are having different type of codes. This way you have to format your table, right? So assuming we are taking one pair, so you can include discounted price too. Agar aap discount le rahe ho, to you have to subtract it. So you have to make, formulate the formulas according to that, right? Now at last, how you are going to insert the row? What are the methods for that? Now I want to add new row at the last. So first method, you can go from the table toolbar, that is insert rows button on the table toolbar. Secondly, right click karke the option is row, then the option is insert. Jab aap table toolbar se karo, that is insert rows, ROWS, S is the option. Ye aapko assignment mein bhi question tha. Remember, हमने कल डिस्कस भी किया था ये. So there were two options, insert row and insert rows. So the correct is insert rows. You have to choose the option ROWS, right? Similar to the columns. So insert rows button on the table toolbar. Secondly, right click करके row के अंदर the option is insert. Third method बच्चे, from the table menu you can take the option insert, and again insert ke andar sub option hai rows. Table menu, insert ke andar sub option is rows, right?
One more thing, if you are on the last cell of the table, right now I am on the last cell. ये मैंने कर्सन अपना लास्ट सेल पे रखा हुआ है. So if you are on the last cell of the table, if you will press tab key, even then the new row will be inserted. Tab key से row insert तभी होगी अगर आप table के last cell पे present हो. अगर आप in between कहीं और पे present हो तो tab key this method will not work then. Okay? पहले वाले तीन methods आपके तभी work करेंगे if you are in some row but you are inside the table in between. But if you are on the last row at the last cell by using the tab key, you can insert a new row. Okay? So now I want to merge this. So what are the methods for merging now? Firstly, select the cells. Select the cells that you want to merge. Merge cells button on the table toolbar. So this is the merge cells option on table toolbar. Second method, table menu, merge cells option. Table menu. Merge cells option. Third method, right click on the selected cells, go to the option cell, choose merge. So these are the three methods for merging, right? From table toolbar, from table menu, and third method is using the right click. So right click on the cell, choose the option merge. So this way your cell will be merged, right? Now total amount. To be paid. So here you have to add them all 2000, 2000, and right. So now you can give formatting to the table also. So this is the table, right? You can give a formatting from the formatting toolbar. Alternatively, we are having the auto format option on the table toolbar as well as in the table menu. The command is table menu auto format. So these are the different kind of formats for the table, means pre-designs that are available for the table. So you can use any with respect to the table, whatever you want to set, you can set. So these are the different kind of formattings available, right? And if you want to make your own formattings, either you can take it from auto format or you can give a different kind of colors. Like if you want to give a background to a table, so you can choose it. You see, right? So this way you can give the formatting to the table as well. You can also include graphics to the table. See how you have to include the graphics. Simply select the row that you want, right? Right click on it, whatever the graphics you want to insert. For example, if I want to insert this, so insert background table. If you want to include the background on the table, so you have to choose the option table. Otherwise, table row, a particular cell can also be clear. Right now I have selected all the three rows. So ye three rows pe mera convert ho raha. All right. To this you can give it a different one. These are just the methods I am telling you. All right. Any doubt, bache? How to work in the tables? All right, any doubt to anyone? Okay, show me, present your screen, bache. Who will going to present? Kis kis ka ban gaya yahan tak?
So line spacing you can set. Right, and this way you can increase the row heights also. Yes, Archita, have you done, bache? कितना बना है? विल यू प्रेजेंट योर स्क्रीन? शेयर करोगे आप अपनी स्क्रीन? मैम मेरा अभी बना नहीं है, मैं बना के अभी करती हूँ। कोई बात नहीं, जितना बना है दिखा दो। मैम प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। ओके, यस अश्मित, प्रयाग, बी कॉन्फिडेंट बच्चे व्हाइल प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन गोइंग ऑन। आई जस्ट वांट टू सी आपने क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। कृतिका, I'm presenting 5 minutes. Okay, then do let me know. The options are clear, bache, with respect to the table. Everyone. Yes, one by one, you have to present your screen because I have already checked the work for the offline students. Yes, practical time is 5 to 6. Okay, I'm going to start from Kritika. I'm stopping my screen. Hello, Ayan. Ayan, present your screen. Click on screen share. Not like this, Kritika, not like this. You are already in the Zoom meeting. Click on share screen option. I have allowed you to share your screen, bache. Click on share screen. You are getting the option share screen. Good, good, Ayan. So you can make the alignments, right? देखो आप item name में आपकी alignment left align आ रही है, बाकी सबकी alignment center में आ रही है. तो इसको correct करो. Serial number, item code, quantity देखो left side पे flow कर रहे हैं. सबकी alignment center करो. Set the alignment. Select the table. Yes. Screen present करोगे तभी मैं आपको बता पाऊंगी ना आपकी mistakes कहाँ कहाँ पे हैं. Okay, yes, Kritika. Share your screen, बच्चे. Kritika, click on share screen. Kritika, what's happening, bache? आपके Zoom पे वहां पे share screen की option आ रही होगी.
मैम आई एम डूइंग ऑन पीसी एंड यूजिंग जूम ऑन एन अदर डिवाइस. तो आपने वहां से भी जूम ज्वाइन किया हुआ? नो. अर्चिता शेयर इट नाउ. जितना हो गया है शो मी. यस रोहन, हिमांशु, स्नेहा, कृतिका, आपके भी बच्चे अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है. सेट द अलाइनमेंट्स. ठीक है, फिर मैं क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेशन अयान और कृतिका की ले रही हूँ, बिकॉज अदर देन दी स्टूडेंट्स नो वन इज प्रेजेंटिंग दिस स्क्रीन, नो वन इज शोइंग मी. हाउ कुड आई कम टू नो व्हाट आर यू डूइंग? शो मी योर वर्क, व्हाट यू हैव मेड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल पीरियड. यस स्नेहा, हिमांशु, हरसिमरन, प्रयाग, अश्मित एज वेल. स्नेहा प्रेजेंट. कोई तो प्रेजेंट करो स्क्रीन, मुझे क्या पता चले क्या काम कर रहे हो. Why you people are not listening? Sneha, आपको सुनाई नहीं दे रहा. बच्चे, I'm asking you to unmute.